जिस प्रकार हमने अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला, उसी प्रकार हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। आइए हम एक वर्ग लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई आकृति है और ये वर्गाकार आकृति है। देखते हैं जरा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हम क्या करेंगे कि इस वर्गाकार आकृति को अपने वर्गों के वर्गाकार जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर लगाते हैं इस तरह से। कुछ इस प्रकार से ये। और अब हम इसकी बाउंड्री को अंकित करेंगे इसके चारों ओर ग्राफ के इस तरह से, और ये इस तरह से, और ये इस प्रकार। और इसका नाम देंगे हम ए बी सी और ये डी। ये तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। अब हम काउंट करेंगे जरा ग्राफ, इस ग्राफ पेपर में इस वर्ग ने कितने वर्गों को घेरा हुआ है। देखते हैं जरा। तो इस प्रकार घेरे गए वर्गों की जो कुल संख्या है वो ये है, ए बी सी डी के अंदर ये है हमारे पास, ये हम काउंट करेंगे इनको, ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अठत्तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चौतालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास। तो टोटल कितने स्क्वेयर हुए इसके अंदर, कितने वर्ग आए हमारे, 49 यानी उनचास। तो हम लिखेंगे इसलिए इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 49 यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर ए बी सी डी इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल 49 वर्ग ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर।